तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन डाला है तो पिताजी अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सरफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो ये बनाने के लिए? तुमने राशन दादा है तो पिताजी ने विधानसभा के अंदर ही बुरी तरह भिड़ गए अखिलेश और मौर्य। मैं नहीं जानता हूँ ये आपको कौन सा रोग है, अगर कोई रोग है मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। यूपी विधानसभा में जमकर हुई तू तू मैं, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? तुमने राशन दादा है तो बताइए। आज यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच ऐसी जुबानी जंग हुई कि नौबत तू तू मैं तक आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स किए और सदन में हंगामा मच गया। दरअसल अखिलेश यादव अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी सरकार की नाकामियों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने कई बातें ऐसी बोली जिससे अखिलेश यादव भड़क उठे। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहे हैं। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसका शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, बताइए फोर लेन किसने बनाई बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूँ कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सरफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो ये बनाने के लिए? तुमने राशन दादा है तो पिताजी ने अखिलेश ने गुस्से में केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरह झिड़क दिया, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बीमार तक कह डाला था। मौर्य ने तो ये तक कह दिया था कि मैं आपको 25 साल तक सत्ता में नहीं आने दूंगा। आप भी सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, और उसके गुणगान का उसका जवाब जनता ने दिया। जनता ने क्या जवाब दिया? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का, सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे, 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है, अगर कोई रोग है मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। तो मैं आपके अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हर योजना को एक स्टीकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं, आने वाले 25 साल तक अभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना, मैं समझ सकता हूं कि आप
मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भाई आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाऊ कभी भी, मेरे हिसाब से मेरे मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहाँ बैठा और यह सदन पूरा भाजपा में है। केशव प्रसाद मौर्य के पर्सनल कमेंट से तिलमिलाए अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उनकी भाषा को लेकर सवाल उठने लगे। सत्ता पक्ष ने कहा कि कम से कम तूतू मैमे की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने खुद इसे कार्यवाही से हटाने की मांग की। और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे एक घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए सिफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं सिफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सिफाई देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती है। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात को सदन की कार्यवाही से हटा लेने का समर्थन किया, लेकिन फिर दोहरा दिया कि इस तरह के पर्सनल कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अध्यक्ष महोदय जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी सरकारी पैसे से होता है। तो मेरा यही निवेदन है नेता सदन से, बहुत अच्छी तरीके से वाले इस तरह की बात नहीं आया जाएगी, जमीन बेच करके कर दिया जाए। जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारेगी। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता। कुल मिलाकर आज यूपी विधानसभा के अंदर जमकर बवाल हुआ। अब सोशल मीडिया पर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको लगता है कि अखिलेश यादव को भाषा का ख्याल रखना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें उकसाया और ये उकसावे की भाषा थी? इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।